दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 16 मई सन 2024 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कॉटन कपास के बारे में करेंगे विस्तृत चर्चा। दोस्तों आपको याद होगा जब 102 सेंट से ऊपर यानी 103 सेंट के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के चल रहे थे और लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ 120 115 सेंट की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने कहा था ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करना आवश्यक होता है और व्यापार एक चक्रव्यूह के समान है। सही समय पर यदि मुनाफा नहीं वसूल करोगे तो फिर बात हाथ से निकल जाती है और फिर आप बात ही करते रहते हैं कि ये भाव था और हमने ऐसा किया वैसा किया। दोस्तों भारतीय कपास बहुत ही मुश्किल दौर पे होता है। एक तरफ सूत के दामों की डिमांड, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट और जिनर्स के पास स्टॉक, किसान पिछले भाव के इंतजार में और आस में माल रोक लेता है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। साथ साथ भारतीय रुपया की लगातार कमजोरी अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारत के निर्यात को कमजोर करता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ग्लोबल कॉटन डिमांड भी तेजी मंदी को प्रभाव करती है। दोस्तों इन सभी का निचोड़ कहां से तेजी आ रही है और कहां से मंदी, इसका विशेष रिसर्च हमारा अक्सर कॉटन पर सही साबित हुआ है। दोस्तों खबर जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में कॉटन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दूसरी ओर डोमेस्टिक मार्केट में स्पिनिंग मिल्स की खरीदारी भी कमजोर है और स्पिनिंग मिल आवश्यकता अनुसार ही माल खरीद रही है। पिछले दो दिनों के अंदर यदि हम गुजरात कॉटन बाजार में देखें तो लगभग 850 रुपये प्रति कैंडी का मंदा देखा गया है और उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी लगभग 60 से 75 रुपये प्रति मन के भाव कमजोर हुए हैं। गुजरात की हम देखें अहमदनगर में अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म कॉटन के भावों में कल 550 रुपये कमजोर होकर ये 56,400 से 56,700 रुपये प्रति कैंडी बताया जा रहा है। गौरतलब है एक कैंडी का वजन 356 किलो माना जाता है। गौरतलब है कि मंगलवार को भी 400 रुपये प्रति कैंडी का डाउनफॉल देखा गया था और इस दौरान यदि उत्तर भारत के दूसरे राज्य देखें जिसमें पंजाब में रुई की हाजिर डिलीवरी के भाव 75 रुपये नरम होकर 5675 से 5700 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। हरियाणा में रुई के हाजिर भाव कल 75 रुपये घटकर 5585 से 5610 रुपये प्रति मन हो गए हैं। दूसरी ओर राजस्थान के में आपको याद होगा कल हमने आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों की खबर भी अपने चैनल पे दी थी, आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 75 रुपये नरम होकर 5375 से 5800 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कल देशभर की मंडियों में लगभग 31,400 बेल्स की आवक के समाचार हैं और 170 किलो की बेल्स मानी जाती है। दोस्तों बेसिकली व्यापारियों की सुने तो स्पिनिंग मिलों की मांग घटने से गुजरात के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में भी कॉटन के दामों में लगातार कमजोरी देखी गई है। गौरतलब है कि ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कल कॉटन के कीमतों में मामूली सुधार था लेकिन सुबह के सत्र में दाम कमजोर खुले थे और घरेलू बाजार में स्पिनिंग मिल कॉटन की खरीद केवल आवश्यकता यानी जरूरत के हिसाब से ही कर रही है। देशभर में बड़ी स्पिनिंग मिलों के पास लगभग 1 से 1.5 महीने की खपत का कॉटन का स्टॉक बकाया मौजूद है और मिलों के पास 20 से 25 दिनों की खपत की ही कॉटन है। कॉटन धागे में यानी सूती धागे में स्थानीय मांग सामान्य की तुलना में कमजोर बताई जा रही है और आगामी दिनों में स्पिनिंग मिलों को कॉटन की खरीद करनी पड़ेगी, ये भी एक निश्चित है। जिनिंग फैक्ट्री वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत यह है कि उन्होंने ऊंचे दाम पे कॉटन के भाव खरीदी हुई है, अब वो यदि आज के भाव बेचते हैं तो उनको नुकसान होता है और यदि माल नहीं बेचते हैं तो फ्रेश कॉटन की खरीदारी निचले दाम पे नहीं होगी तो आगे से वो माल कैसे बेचे, ये एक उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। उत्पादक मंडियों में कपास की दैनिक अराइवल लगातार कम होने की संभावना आगे दिन बढ़ रही है। इन सब के बावजूद भी घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में लगातार मंदी देखी जा रही है। गौरतलब यदि हम देखें तो चालू फसल सीजन में 30 अप्रैल साल 2024 तक
देश भर की मंडियों में कॉटन की आवक 281.96 लाख बेल्स की हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी आवक 224.17 लाख बेल्स की हुई थी, यानी 224 के मुकाबले 281.96 लाख बेल्स की आगमन, ये पिछले साल के मुकाबले अधिक आवक के समाचार हैं। साथ साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चालू सीजन में कॉटन का उत्पादन का अनुमान 309.07 लाख गांठ के अपने जो पुराना उसका लक्ष्य था या अधिकृत सूचना थी उसके ऊपर बरकरार रखा है, जबकि पिछले साल उत्पादन 318.90 लाख का हुआ था, यानी पिछले साल का उत्पादन का देखें तो लगभग 319 लाख टन के मुकाबले 319 लाख बेल्स के मुकाबले 309.07 लाख बेल्स का उत्पादन हुआ है। अतः चालू सीजन में कॉटन का उत्पादन अनुमान कम होने के बावजूद 30 अप्रैल सन 2024 तक कॉटन की आवक 25.77% ज़्यादा हुई है। ऐसे में व्यापारियों का ये मानना है कि अगली बैठक में उत्पादन का अनुमान में बढ़ोतरी हो सकती है। एक प्रश्न ये भी है कि इतने बड़े संगठन और इतनी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी सही अनुमान कॉटन का सत्र खत्म हो रहा है उसके बाद भी नहीं लग पा रहा है। एक तरफ आवक लगातार बढ़ रही है पिछले के मुकाबले, आपका अनुमान पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। दोस्तों ये एक विचारणीय विषय है। साल 2020-21, 22-23 और 23-24 में कॉटन के हमारे सभी अनुमान अक्षत सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि कॉटन पे जो हमने अपडेट दिए हैं उसमें आप सभी ने फ़ायदा उठाया है। दोस्तों आगे की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।